अस्सलामु अलैकुम। तो आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दिनों के बाद एक नई वीडियो लेकर आया। वीडियो क्या कि जो आपको पता है मैं कारोबार करता हूँ, सीके बनाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूँ, काम शुरू कर रहा हूँ, इसीलिए आपकी खिदमत में ये वीडियो भेज रहा हूँ। जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रजौरी, पुंछ के जो मेरे पास भाई सीके खाने आते हैं, और जम्मू के जो लोकल लोग मेरे पास सीके खाने आते हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है और मेरे लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि हलाल रिज़्क़ कमाना ये अल्लाह का हुक्म है कि हलाल रिज़्क़ की तलाश करो। तो अभी मैं जमात में गया था, तो वहाँ से वापस आ चुका हूँ 40 दिन लगाकर, और इंशाल्लाह इस समय काम शुरू कर रहा हूँ। जो भी मेरे भाई हैं, आज से मैं वीडियो जो भी अपलोड कर रहा हूँ और शाम को मैं सीके लगाऊंगा, तो आप मेरे पास सीके खाने आ सकते हैं। और इसके अंदर दो ऑफ़र हैं आज अल्हम्दुलिल्लाह। एक ऑफ़र ये है कि मैं आपको सीके साथ लवासा फ्री दूंगा। दो सीकों से लेकर 5 सीके तक जो भाई खाएंगे उनको लवासा फ्री मिलेगा। और सीख जो है वो मैं 60 रुपये की मैंने कर दी है, और सीख का साइज़ भी बड़ा कर दिया। अभी वीडियो में आपको सीखे बताऊंगा कि सीखों का मैंने साइज़ भी बड़ा कर दिया, सिर्फ रेट नहीं बढ़ाया बल्कि सीखों का साइज़ भी मैंने बढ़ा दिया है। तो सब भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, यही एक दूसरे भाई की मदद होती है। हलाल रिज़्क़ कमाने में मुझे भी फ़ायदा होगा और टेस्टी सीख आपको भी मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, छोटी सी वीडियो है, अल्लाह आपको जज़ाए ख़ैर दे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि एक दूसरे भाई की मदद हो जाए। तो वीडियो को पूरा देखें। तो आज हमने शुरुआत कर दी है। सबसे पहले हमने जो है कोले ले आए, और उसके बाद हमने जो है दही वाली दुकान से दही लिया, क्योंकि चटनी भी बनानी है, और पिछले साल के जो कि डूने भी हमारे पास ख़त्म हो चुके हैं, और ताज़े फ्रेश हम डूने लेकर देखें आपके सामने आ चुके हैं। और उसके बाद गोश्त लेकर मैं घर पहुँच गया, बहुत ही अच्छा जो मैंने गोश्त लाया है। और इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कटिंग करने के लिए मैं बैठ चुका हूँ, और ये मछली भी आप देख सकते हैं ज़बरदस्त और फैटलेस जो कि ये मछली है। और उसके बाद देखो मैंने मीट के छोटे छोटे पीस कर लिए, और छोटे छोटे पीस करने के बाद जो है मैंने मछली के भी छोटे छोटे पीस कर दिए, और उसके बाद चिकन जो है वो भी मैं छोटे छोटे पीस उसके मैंने कर दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि सीकों का साइज़ जो है मैंने बड़ा कर दिया, पीस का साइज़ भी मैंने बड़ा कर दिया है, मछली के साइज़ भी पीस का बड़ा कर दिया। और मसाला लगा के आप देख सकते हैं हमारी सीकें जो है बिल्कुल मसाला इसमें मैरिनेट करके माशाल्लाह बहुत ही लजीज अच्छा मसाला जो है तैयार हो चुका। और सीके भी जो है हमने धोकर बिल्कुल साफ़ कर दिया, देखिए कितनी चमक रही हैं सीके हमारी। तो अल्लाह आपको जजाए खैर दे। और सीके जो आप देखें हमारी भरकर पूरी तैयार हो चुकी है, और आप देख सकते हैं ये फिश टिक्का था, देखें माशाल्लाह सीख का साइज़ देखें आप, और ये मटन सीख देखें इसका भी आप साइज़ देखें, मैंने कितना बड़ा बड़ा पीस का साइज़ कर दिया। सिर्फ मैंने आपसे कहा कि रेट नहीं बढ़ाया बल्कि पीस का मैंने साइज़ भी बढ़ा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। चिकन भी आप देख सकते हैं चिकन का साइज़ भी मैंने और बड़ा कर दिया, और अच्छे अच्छे पीस जो है इसके अंदर मैंने लगाए हैं, फैटलेस यानी बोनलेस होते हैं, हड्डी बहुत इसमें कम होती है। तो अल्लाह आपको जजाए खैर दे। वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे पास ज़रूर आएँ।